I think you should purchase iPhone 13 Pro. ये भी बताना है कि मतलब उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब क्यों मतलब बाय करना चाहिए मेरे को? iPhone 14 और 13 है वो काफी सिमिलर है, सो अगर हम iPhone 14 लेंगे तो वो वेस्टेज होगी एक तरह की पैसा। Hey everyone, good morning. तो है वेलकम बैक another my blog. तो hey guys, तो कैसे हो? तो guys उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे। तो hey guys, मैं अभी घर के पास ही खड़ा हूँ एंड लिटरली आज का मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है और अभी अभी जस्ट बारिश रुकी है, पहले बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। गाइस आपने थंबनेल देख ही लिया है कि मैं क्या इस टॉपिक के बारे में आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है, पहले मैं फैमिली मेंबर से पूछूंगा कि मुझे कौन सा आईफोन बाय करना चाहिए, तो देखते हैं क्या राय रहती है सभी की और जो जिसकी ज्यादा डिमांड होगी ना उसे मैं परचेज कर लूंगा एंड देखते हैं आप सभी की क्या राय होती है। पहले मैं फैमिली मेंबर से राय ले लूंगा उसके बाद आपसे लूंगा, ठीक है ना गाइस? तो चलिए सबसे पहले मम्मी से करते हैं स्टार्ट। गाइस ये रहे मम्मी। मम्मी मैं आईफोन लेने वाला हूँ, तो आप बताएं कि मैं कौन सा आईफोन हूँ। मैं आपको तीन नेम दूंगा, ठीक है ना? आपको पता तो है नहीं मतलब आईफोन के बारे में, मेरे को भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आईफोन 13 लूँ कि आईफोन 14 आईफोन 15 लूँ, कौन सा लूँ? अपने आइडिया से थोड़ा सा दिमाग लगा और अच्छा अच्छे रेंज वाला वो अच्छा होता है। नहीं आईफोन होते हैं सभी अच्छे, पर लेकिन आप बताओ कौन सा लूँ, 13 लूँ कि 14 15 15 तो अभी लॉन्च हो रहा है पर वो बहुत ज्यादा महंगा होगा, पर लेकिन आप बताओ। नहीं बताओ ना 13 लूँ कि 14 कि 15 बताओ, अपने दिमाग से बताओ। ठीक है कौन 14 ठीक है? तो गाइस आपने देखा मम्मी बोली आईफोन 14 लो, तो गाइस देखते हैं एक तो वोट आ चुका है 14 के लिए, अब देखते हैं दूसरा वोट किस फोन के लिए जाता है। तो हे गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी एंड बिकॉज मैं जा रहा हूँ मामा के घर, वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा काम है और वहाँ पर काम जैसे निपटा कर घर आएंगे, और फिलहाल एक बहाना भी मिल चुका है मेरे को जाने का, मतलब वहाँ से भी पूछ लूंगा कि कौन सा मैं परचेज करूँ आईफोन। तो लिटरली यार एक्साइटेड तो बहुत हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या च्वाइस होती है वहाँ। तो गाइज जल्दी से चलते हैं और मौसम भी बहुत मस्त हो चुका है अभी फिलहाल, तो चलिए गाइज लेते हैं अपना हेलमेट एंड ये चाबी बाइक की, तो चलो गाइज चलते हैं जल्दी से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओ माय गॉड कितना बड़ा कीचड़, ध्यान से कितनी भारी बारिश हुई यार, लिटरली यार गाइस, भाई साहब ध्यान से चलानी पड़ेगी गाइस, यहाँ पर रोड ना बहुत ही गंदा वाला है और बारिश हुई है तो इससे बुरा खतरनाक वाला रोड हो चुका है। ये देखिए आगे देखिए यार गाइस, ओ भाई साहब कितना बड़ा खड्डा है ऐसा, ओ भाई ध्यान से चलो, शुक्र है। तो गाइस देख सकते हो यार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है शाम को रात को हमारे इधर, तो देख सकते हो। तो फटाफट चलते हैं जल्दी से, बस पहुंचने वाले हैं हम। गाइज हम पहुंच चुके हैं मामे के घर के पास और अभी नजदीक है, जो वो पीछे दिखाई दे रहा है वो मेरे न्यू घर बनने जा रहा है, मतलब मेरा तो नहीं मेरे मामा जी का, तो ये न्यू घर बनने जा रहा है मामा जी का और पुराने घर की ओर चलते हैं और पहुंच चुके हैं हम, देखते हैं घर में कौन कौन है और क्या क्या कर रहा है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। हे
हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं मामा के घर और ये मेरे छोटे मामा जी का बड़ा बेटा है। तो इससे पूछते हैं कि मैं भाई कौन सा आईफोन परचेज करूं, तो बता कौन सा आईफोन परचेज करूं। आईफोन 13 प्रो मैक्स वो बेस्ट है। वो कैसे बता, कैमरे में उसके कैमरे बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो आईफोन के भी अच्छे होते हैं कैमरे, पर तो मुझे सबसे अच्छा आईफोन 13 प्रो मैक्स लगता है। ओ भाई, तो लिटरली यार इसको भी पता, देखो छोटा बच्चा है पर लेकिन पूरा पता है, तो बोल रहा आईफोन 13 प्रो मैक्स। सबसे पहले मैं पूछता हूँ इससे कि तेरे को आईफोन के बारे में पता है कुछ है, तो ये बता कि मैं कौन सा आईफोन लूँ जिससे हमारी वीडियो अच्छी आए, कैमरा उसका बेस्ट हो। पता iPhone 13 Pro Max, are you sure? Yes. हैं? चलो ठीक है गाइज, तो दो वोटिंग आ चुकी है, दोनों भाइयों ने तो सेम ही बताया। हे गाइज, मेरे साथ है मामे की लड़की, तो इससे पूछते हैं सबसे पहले कि कौन सा आईफोन लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आईफोन के बारे में बहुत कुछ जानती है, तो देखते हैं। अच्छा चलो रिंकल, बताएं कि कौन सा आईफोन परचेज करूंगा। I think you should purchase iPhone 13 Pro. ये भी बताना है कि मतलब उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब क्यों मतलब बाय करना चाहिए मेरे को? iPhone 14 और 13 है वो काफी सिमिलर है, सो अगर हम iPhone 14 लेंगे तो वो वेस्टेज होगी एक तरह की पैसों की एज कम्पेयर टू 13। एंड प्लस अगर 250 जो भी स्टोरेज है उसका एक्सपेंड भी हो जाता है तो ठीक है। ठीक है, तो आपका मतलब फाइनल डिसीजन किस पर गया? आईफोन 13 प्रो मैक्स वाला नहीं, बस प्रो ना? नहीं, मैक्स प्रो नहीं, प्रो अलग है ना, मतलब आईफोन 13 प्रो और मैक्स अलग है। आई नो, तो फिर क्या प्रो की मैक्स को क्या प्रो? आईफोन 13 प्रो मेरी बहन को पसंद आया है, तो देखते हैं यार गाइज, तो इसके लिए भी 3 वोटिंग हो चुकी है। तो हे भाई, कौन सा आईफोन परचेज करूं बता? 15 कौन? 15 आईफोन 15। वो तुझे क्यों लगता है इतना मस्त कि मतलब आईफोन 15 लूं मैं? हे गाइस, 15 हो चुका फाइनल इसके लिए, तो वोटिंग सभी के लिए ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, और सभी से पूछ लिए जो भी घर में है अभी इस टाइम, बच्चे से लेकर बड़े तक, जो भी वोटिंग आई है तो आपके साथ अभी मैं शेयर करता हूँ, और आपकी बहुत जरूरत है, और आप भी कमेंट में जरूर बताना, जो भी एक एक बंदा देख रहा ना प्लीज कमेंट में नीचे लिख देना कि कौन सा आईफोन बाय करूँ। ठीक है गाइज, तो प्लीज यार जो भी एक एक व्यू देख रहा, मतलब एक एक बंदा आएगा ना मेरी वीडियो पर, तो उसमें जो भी आपको अच्छा लगेगा ना आईफोन, तो सीधा कमेंट कर देना, प्लीज पिन कर देना। ठीक, तो हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर, तो गाइस सॉरी क्योंकि मेरा फोन बंद हो चुका था, तो मैं क्लिप नहीं ले पाया जहाँ से मामा घर आते टाइम, तो सॉरी गाइस। तो घर पहुंच चुके हैं, तो गाइस प्लीज आप बता देना कि आपको कौन सा आईफोन पसंद आ, ताकि मैं वो ले सकूं। ठीक है, आप एक कमेंट जरूर कर देना प्लीज यार गाइस, ठीक है ना, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, तो अभी खाना लग चुका मेरी थाली में, ये देखिए, तो खाने में ये बनाया मम्मी ने, तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो गाइस प्लीज यार एक कमेंट जरूर करके जाना यार, जो भी देखेगा ना इस ब्लॉग को प्लीज एक कमेंट अपनी राय जरूर रखना। ठीक है, तो प्लीज प्लीज यार मेरे को एक आईफोन का नेम बता दे आना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक के बाय।